कोरोना वैक्सीन पर उत्तर कोरिया बेपर्दा, चोरी की तकनीक पर बना रहा वैक्सीन। दोस्तों, पूरी दुनिया को जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने हिलाकर रख दिया है, कोरोना की वजह से बड़े बड़े देशों में कोहराम मच गया है, करोड़ों लोगों की सांसें थम गई हैं। लेकिन इस बीच लगातार तानाशाह किम जोंग उन दावा करते रहे हैं कि उत्तर कोरिया में कोरोना महामारी एंट्री तक नहीं कर पाई है। साथ ही दावा किया जाता रहा है कि उत्तर कोरिया में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच लगातार खबरें आ रही थी कि जहां एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन को बनाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर कोरिया में अलग ही तरह से वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। और इसके लिए किम जोंग उन ने वैज्ञानिक नहीं बल्कि हैकर्स की फौज खड़ी कर दी है, जिसमें दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन पर चल रहे शोध और वैक्सीन के नुस्खे को चुराया जा रहा है। वो बात अलग है कि उत्तर कोरिया ने वैक्सीन के फॉर्मूले को चुराने वाली खबरों को खारिज किया था, लेकिन अब एक ऐसा दावा किया गया है जिसमें उत्तर कोरिया और वहां के तानाशाह किम जोंग उन की पोल खुल गई है। दरअसल उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया की खुफिया सेवा ने दावा किया है कि उसके पड़ोसी देश उत्तर कोरिया के हैकर्स ने इसकी वैक्सीन और इलाज से जुड़ी जानकारी चोरी करने की कोशिश की है। हालांकि इस दावे को खारिज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वैक्सीन निर्माता फाइजर इंक इस हमले के निशाने पर था। वहीं से पहले दक्षिण कोरियाई संसद की खुफिया मामलों की समिति के सदस्य हा तेई क्यूंग ने बताया था कि राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS ने उन्हें और अन्य सांसदों को बंद कमरे में दी गई ब्रीफिंग में बताया कि उत्तर कोरिया ने COVID-19 टीके की प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए फाइजर को हैक किया था। हा के दावे पर दक्षिण कोरिया में हड़कंप, उत्तर कोरिया पर मेहरबान है दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की तरफ से वक्त वक्त पर बयान जारी करके जरूर कहा जाता रहा है कि उनके यहाँ कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, तो वहीं उत्तर कोरिया में कोरोना के मामलों को लेकर रिपोर्ट सामने आती रहती है। ऐसे में हाल ही में एक रिपोर्ट ने सबके होश उड़ाती है, जब उत्तर कोरिया में कोरोना वैक्सीन बनाने का काम किम जोंग उन ने वैज्ञानिकों को न देकर हैकर्स को दिया था, और उन हैकर्स के निशाने पर वो देश थे जहां लगातार कोरोना वैक्सीन पर काम किया जा रहा था। इन देशों में बन रहे कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूले को चुराने की जिम्मेदारी किम जोंग उन ने इन हैकर्स को दी थी। इस बीच दक्षिण कोरियाई संसद की खुफिया मामलों की समिति के सदस्य हा तेई क्यूंग ने दावे ने सनसनी फैला दी है, लेकिन हा के दावे को उनके ही देश में झुठलाया जा रहा है। दरअसल हा का दावा सुर्खियों में आने के बाद राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS ने कहा कि उसने जब सांसदों को उत्तर कोरिया द्वारा हैकिंग का विवरण दिया, तो उस दौरान किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम नहीं लिया गया। वहीं हा के बयान का खंडन करते हुए NIS के जनसंपर्क कार्यालय ने कहा कि हा की टिप्पणी गलत है, लेकिन दूसरी तरफ हा अपने दावे पर कायम है। उन्होंने कहा कि उनको दिखाए गए NIS के दस्तावेज के मुताबिक उत्तर कोरिया ने फाइजर से वैक्सीन फॉर्मूला चोरी किया है और दक्षिण कोरियाई टीका और फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रौद्योगिकी चोरी करने की कोशिश की। हा ने कहा कि विवरण देने के सत्र के बाद सांसदों को दस्तावेज लौटाने होते हैं। उन्होंने कहा कि फाइजर शब्द इतना स्पष्ट था कि ब्रीफिंग के दौरान मैंने उनसे मौखिक रूप से भी इसके बारे में नहीं पूछा। दक्षिण कोरिया में फाइजर कार्यालय के जनसंपर्क प्रबंधक ऊन बो यंग ने भी कहा कि वो हा के दावे की अपनी वैश्विक मुख्यालय से पुष्टि कर रहे हैं।